भैया अभी तो 250 सीढ़ी चढ़े हैं। आपका पेड़ देख रहे हैं ना? हाँ, आम का पेड़ दिख रहा है ना? हाँ, वहाँ से अंदर जाइए वॉकिंग करके, बोर्डिंग कर लीजिए, ठीक है? तब वापस आइए, ये कल करेंगे बोर्डिंग, कल करेंगे, अभी नहीं। अब यहाँ से वो जाहिर इस्टूपा जाइए, इस्टूपा जाइए, इस्टूपा के लिए हमको एयरपोर्ट से लेनी होगी ना, स्टेट जाइए, दाया पे नहीं मोड़ने का, स्टेट, हाँ स्टेट जाइए, जो जिस रास्ते से हम आए थे उधर नहीं जाना है, उधर नहीं, स्टेट सीधा जाइए, ऐसे होके जाइए सीधा, राष्ट्रीय बैंक चौक आएगा, राष्ट्रीय बैंक चौक से राइट दीजिए, अपना नंबर दे दो। तो भैया जी, हम लोग अपने होटल से निकल चुके हैं, अभी हम लोग पोखरा में थे और अभी हम लोग अपने होटल से निकल चुके हैं बौद्ध स्तूप जाने के लिए, और हमारे साथ हमारे मित्र हैं इधर भी, ये हमारे ड्राइवर साहब हैं। हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू भैया? जस्ट ऐसा लग रहा है ना, यहाँ के जस्ट पहाड़ के ऊपर बादल है, पूरा बिल्कुल करीब में है बादल। तो बौद्ध स्तूप जाने के पहले मीन्स रास्ते में हम लोग जब ऊपर पहाड़ी चढ़ रहे थे ना, तो एक व्यू आया था, और यह व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना, क्या ही बोलना। ऑल्टो को सब हल्का गाड़ी में ले रखा है, हम लोग ऑल्टो से पहाड़ी चढ़ रहे हुए बौद्ध स्तूप पे, और इनसे बात करो, चढ़ा दीजिएगा ना गाड़ी, चढ़ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, इनसे टॉप भी जाएंगे, टॉप भी चढ़ जाएंगे भाई। हम लोग का प्लान यहाँ पे 5 दिन का है, यहाँ पे हम लोग 5 दिन के लिए है, आज पोखरा में 2 दिन हम लोग रहेंगे, फिर 2 दिन काठमांडू में, मीन्स क्या ही ऑल्टो से इतना दूर राइड, और ये बंदा ना अकेले गाड़ी चलाने वाला है, रात भर कल जग करके गाड़ी चलाया हुआ है भाई बंदा। अब कैसा लग रहा है भाई चल करके? ओ मोटा भाई, शांति। तो भैया अभी तो 250 सीढ़ी चढ़े हैं, और पता नहीं कितना सीढ़ी चढ़ना है अभी बौद्ध स्तूप जाने के लिए, और यहाँ पे मेरे सारे दोस्तों का हाल देख सकते हैं आप। तो भैया फाइनली हम लोग पहुँच चुके विश्व शांति स्तूप के पास, और ये हमारे पीछे विश्व शांति स्तूप है, लगभग 350 के करीब में सीढ़ी चढ़ने के बाद हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे, और पैदल अभी आना पड़ेगा आपको, दूसरा कोई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। भैया विश्व शांति स्तूप से निकलने के बाद हम पहुँचे लॉर्ड शिवा स्टेचू के पास। भैया देखिए यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, पूरा पहाड़ी पे शिव जी का पूरा स्टेचू टाइप में बनाया हुआ है, और बहुत 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 ज़्यादा प्यारा व्यू है, इस व्यू के बारे में क्या ही बोला। अगर आप पोखरा आते हैं घूमने के लिए तो आप यहाँ पे जरूर आइए।